हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए लगातार हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट आपके हाथ में, इसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन किस ऑनर्स में होगा, क्या कुछ होगा, वो आप सारा डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस के मार्क्स पे। तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपको इस एंट्रेंस के मार्क्स में बहुत अच्छा स्कोरिंग करना है। और इस बार स्ट्राइक भी बहुत ज़्यादा है, कारण है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो जाएंगे, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो जाएंगे, आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और इसमें अगर प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें, कंपटीशन क्यों ज़्यादा है इसको समझिए, कारण है कि बिहार बोर्ड वालों का ऑलरेडी एग्जाम बहुत पहले हो चुका है, रिजल्ट पहले आ चुका है, तो वो थोड़ा सा स्थिर पड़ चुके हैं, मतलब उनका प्रैक्टिस थोड़ा सा पीछे रह चुका है। लेकिन सीबीएसई वालों का एग्ज़ाम ही चलेगा 25 जून तक, ऑल ओवर कर सकते हैं, तो उनका प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर स्ट्राइक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो आपको क्या करना है, पिकअप करना है। हर बोर्ड के स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं, तो आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना। मैं सारे क्लासेस में टॉपिक्स को मैं कवरअप कर रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको सिलेबस का आइडिया दे रहा हूँ, टॉपिक दे रहा हूँ, उसके एक आध दो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको बताने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी सब थिंग्स आप पढ़ के आए हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिलेबस के बारे में जानना, टॉपिक है क्या क्या पढ़ना है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और जो मैं लगातार क्लासेस के जरिए से वो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए प्रीमियम ग्रुप में लगातार मैं प्रैक्टिस के सेट भेज रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ, स्टडी मटेरियल्स भेज रहा हूँ। और मैं बार बार कर रहा हूँ आपको कि मैं 1000 क्वेश्चन का सीरीज दूंगा, जो कि आपको 1 जुलाई से आपको डिलीवर करूंगा, जो कि 9 जुलाई तक 10 क्वेश्चन का सेट आपको दूंगा, और पर क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। यानी ऑल ओवर कर सकते हैं 1000 अगर क्वेश्चन के कलेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो आपके पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको कम पड़ जाएगा, ऐसा कभी भी बात नहीं है। तो आपको 1000 क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन में दूंगा जो क्वेश्चन रिपीटेड है या जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है, यानी आपको उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर आपका वो 100 क्वेश्चन जो का सीरीज रहेगा आपको सॉल्व करने में, मैं जानता हूँ आप ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, आप इस उस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लीजिएगा, और ऐसा नहीं है आपको टाइमिंग जस्ट 2 आवर का टाइमिंग मिलेगा, तो आपको उसमें प्रैक्टिस करने के लिए अभी से आपको हर एक टॉपिक पर प्रैक्टिस करना है। इसलिए आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाइए, प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद आपको वहां से तमाम सारे डिटेल्स मिलते हैं, या फिर देखिए मैं आपको नंबर भी स्क्रीन पे लिख देता हूं, मैं यहाँ नंबर देख सकता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 9135338823 पे आपको मैसेज करना है। इसके बाद तमाम सारे जो डिटेल्स है आपको यहाँ से आपको मिल जाता है, या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया बॉक्स में एक और भी नंबर है, आप उस पर जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक हमारा है कॉमन पेपर का टॉपिक है, और कॉमन पेपर के टॉपिक में हम लोग देखेंगे अल्फाबेट सीरीज प्रॉब्लम, और ये बेसिकली ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। जनरल एप्टीट्यूड में आपका जो मैंने आपको बताया है कि कॉमन पेपर का ये जनरल एप्टीट्यूड है, और टोटल आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। इसमें से आपका जो 40 क्वेश्चंस कॉमन पेपर से जनरल एप्टीट्यूड में आपको अक्सर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका 10 से 15 का आपका क्वेश्चन रहने की संभावना है। तो इसे 10 से 15 क्वेश्चंस की सीरीज में आपको एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और एनालॉजी बेसिकली 3 टाइप पे बेस्ड होता है, एक आपका अल्फाबेट पे, एक आपका नंबर पे। तो अभी हम लोग अल्फाबेट वाले सीरीज वाले प्रॉब्लम को देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बस समझिएगा, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप ऑलरेडी माहिर हो जाइएगा, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं पीडीएफ को, जो कि पीडीएफ बेस्ड है हमारा अल्फाबेट सीरीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनालॉजी। सो आ चुके हम लोग पीडीएफ पे, एंड यहाँ पे पीडीएफ का हेडलाइन देख सकते हैं, लेटर सीरीज इन रीजनिंग, और ये आपका एनालॉजी का पेपर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एनालॉजी का पार्ट है, एनालॉजी में अल्फाबेट। तो इस अल्फाबेट के प्रॉब्लम में, यानी अल्फाबेट के जो रीजनिंग से, या कह सकते हैं जो अल्फाबेट के जो क्वेश्चंस आपको कॉमन पेपर में पूछे जाएंगे, उसके लिए कुछ आपको अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट के जरिए से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा और आप परफेक्ट धीरे धीरे होते जाइएगा, चूँकि हर चीज़ को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस एक दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बात करते हैं लेटर सीरीज के प्रॉब्लम में, तो लेटर सीरीज के प्रॉब्लम में सबसे पहले याद रखिएगा अल्फाबेट के पोजीशंस को लेकर के। अक्सर जो क्वेश्चन बनता है एनालॉजी में, आपका रीजनिंग जो बनता है अल्फाबेट पे, वो बनता है अल्फाबेट के पोजीशंस को लेकर, यानी ऑल ओवर कहा जाए तो सारे क्वेश्चन अल्फाबेट का पोजीशन पर ही रहता है, तो आपको पोजीशन के बारे में सही तरीके से पता होना चाहिए। बात कीजिए अल्फाबेट के बारे में, तो अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, और ये आपका 2 शिफ्ट में होता है, एक आपका कहलाता है फर्स्ट हाफ 1 to 13 लेटर, जो कि आपका होता है A to M, याद रखिएगा, एंड आपका एक सेकेंड होता है सेकेंड हाफ, जो कि है आपका N to लेकर के Z, जो कि है आपका 14 से लेकर के 26 तक। ये लेटर का सीरीज का पोजीशन है,
और इस लेटर के सीरीज के पोजीशन में सीरीज को याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट काम करता है EJOTY का। इसे आप याद रख सकते हैं, ई का पोजीशन 5, जे का पोजीशन 10, ओ का पोजीशन 15, टी का 20, वाई का 25। सो जो EJOTY का कॉन्सेप्ट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पोजीशन को ध्यान रखना होता है। तो EJOTY का कॉन्सेप्ट जो पोजीशन बताता है 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका पोजीशन से आपको मेमोराइज करने के बारे में बताता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लेटर सपोज आ जाता है आपका M आ जाता है, तो M अगर आ जाता है तो M का पोजीशन आप फिर आप काउंटिंग कीजिएगा तो बहुत बहुत टफ है। आप इसको सिंपली इसके राउंडिंग में आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे ई यहाँ पे देख सकते हैं EJOTY, तो जे के बाद आता है एम आता है तो जे KLM, तो इस तरीके से आप पोजीशन को याद रख सकते हैं 10, 11, 12, 13, यानी M का पोजीशन क्या होगा 13। इस तरीके से ये EJOTY का कॉन्सेप्ट आपको पोजीशन याद रखने में थोड़ा सा सपोर्ट करता है। और पोजीशंस के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से पोजीशंस के बारे में आइडिया रखिएगा, यानी ABCD आगे से तो इधर से चलेगा 1, 2, एंड अगर बैक से चलेगा अगर जेड से हम लोग आते हैं तो इधर आ जाएगा ए का पोजीशन 26। तो ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिस्कशन है, पूरा PDF में फुल कंप्लीट डिस्कशन है। मेनली आपको प्रॉब्लम के बारे में आइडिया करना, यानी प्रॉब्लम आपका प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है, इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। आते हैं क्वेश्चन का सीरीज में, ये क्वेश्चन का कुछ सीरीज है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं 10-5 क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत ही सीरियस वे में तो फिर आपके लिए वो इस सेक्शन के लिए काफ़ी है। और ये जो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, एनालॉजी बेस्ड में चाहे आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन दे दे, चाहे नंबर का क्वेश्चन दे दे, लेकिन क्या देगा ये कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज है। इस बार पहले आता था 10 कॉमन क्वेश्चन, लेकिन इस बार 40 कॉमन क्वेश्चन आएगा जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तो इसका सबसे सटीक तरीका होता है कि जो सिलेबस है सिलेबस को आप पूरा कवरअप कीजिए, जो भी पूछना होगा वो आपसे पूछ लेगा, बस आप परफेक्टली आप मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं सही तरीके से तो वो आपका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस में क्या कुछ बताया गया। देखिए क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे लिखा गया है SCDTEFUGHWKL, आपको बताना है इस गैप में क्या फिलअप होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपना टेक्निक लगाते चलना है, अपना माइंड हमेशा लगाते चलना है। और अगर इसमें टेक्निक लगाने के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, S के बाद यहाँ पे T है, आगे यहाँ बढ़ रहा है U है, तो इसके बाद सेम तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आता है CD, दो का पेयर में चल रहा है EFGH, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप सीधा से कर सकते हैं यहाँ पे IJ, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा VIJ। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आपका मेन काम है कॉन्सेप्ट लगाना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होते चलेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है CMMEOOGWQKW, तो आपको बताना है कि इसमें करेक्टली आंसर क्या होगा। तो अक्सर आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो इसके हमेशा ऑप्शंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको सोचने की कैपेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाता है। जैसे इस केस में देख सकते हैं यहाँ MM रिपीट हुआ है, M के बाद N का गैप हुआ है, इसके बाद डबल ओ का रिपीट हुआ है, फिर से P का गैप हुआ है, क्यू का रिपीटेशन हुआ है, तो क्यू के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं यानी MNO, यहाँ हो चुका है PQ के बाद क्या आता है R आता है, R को क्या करना है गैप करना है, इसके बाद क्या आ जाएगा S, यानी क्या हो जाएगा डबल S के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि आगे के बारे में यहाँ सोचते हैं तो CDE, यहाँ देखेंगे कि डबल S किसके किसके ऑप्शन में है। तो अगर आप यहाँ प्रॉब्लम में आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन का सीरीज है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं डबल S किस में है, B में है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल S B में है, और साथ में डबल S क्या है I और SS में भी है। तो देख सकते हैं SS वाला कॉन्सेप्ट तो हमने लगा दिया, अब I वाला कॉन्सेप्ट देखें कि I का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ देख सकते हैं C के बाद क्या है D का गैप है और क्या आया E आया, सेम तरीके से F का गैप है क्या आया G आया, सेम तरीके से H का गैप करते हैं तो क्या आएगा I आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ISS। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डील कीजिएगा, ये आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, अल्फाबेट से रिलेटेड, चाहे वो सीरीज रहे, मिसिंग रहे, क्लासिफिकेशन रहे, सब में यही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके बहुत अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस का सेट मैं ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया हूँ। तो आशा करता हूँ ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन या कह सकते हैं मिसिंग बेस्ड क्वेश्चन या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ लेटर, ये आप इसमें परफेक्ट जरूर हो गए होंगे। वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।